अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ये रिक्वेस्ट की गई कि दुबई में लोकली आप लोग सोर्स कैसे करें. ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो सोल्यूशन है वो दैट इज़ गूगल. आप को जस्ट गूगल पे आप उसकी जो रीजन की सेटिंग्स हैं उसको चेंज करें और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ ले जाएं. इस साइन पे मत जाइएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ एरर है कि क्या, अदरवाइज सेटिंग्स में ये यूनाइटेड अरब ही है. ठीक है, ये ठीक है, इसको आप सेव कर लें. आप पहले जिस भी रीजन में आप काम करना चाहते हैं अपने गूगल में सेटिंग्स में जाके रीजन को आप चेंज कीजिए, जिस तरह हम लोग लोकेशन को चेंज करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर. यहाँ पे आप लिखें यूएई होलसेल. ठीक है, अगर आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है तो आप यहाँ पे लिखते हैं यूएई स्टेशनरी होलसेलर इन यूएई, एनी कीवर्ड. ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको निकाल दें, लिखें यहाँ पर और यह आपको डिफरेंट मिल जाएंगे. इनमें वन बाय वन आप सर्च करते जाएं. ठीक है, और ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो होलसेलर्स हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और उनके पास अगर वेयर हाउस है वेल एंड गुड. अगर वहाँ पे दुबई में कोई पर्सन है जिसके घर में चला जाए वेल एंड गुड. ये होलसेलर्स ये हैं कि आपको मिनिमम 5 या 10 क्वांटिटी होती है, आपको फ्री में आपके घर पे एड्रेस पे आपको डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद आपने मार्जिन्स अपने कैलकुलेट किए हुए होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ उसको आप ऑर्डर तभी करेंगे जब आपको लगेगा आप मार्जिन्स कैलकुलेट करके अपने लिए भी और अमेजोन की फीस भी, और उसके बाद आपके इजी शिप करें या कोई भी आप और कैरियर सर्विस लें, सबके पर प्रोडक्ट आप मार्जिन निकाल के ही प्रॉफिट अगर आपको आ रहा हो तभी आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट या क्वेरी ये थी कि होलसेलर्स ऑनलाइन किस तरह फाइंड आउट किया जाए, किस तरह परचेज किया जाए उनसे, और कौन से अच्छे हैं होलसेलर्स और टेस्टेड हैं, और हमें होलसेलर सबसे बड़ी चीज़ हमें मिलेंगे कहाँ से. ठीक है, तो आप गूगल करें, वहाँ पे आपको कोई भी अपने होलसेलर्स हैं वगैरह वहाँ पे आप लिखें होलसेल. आपका yellow.com है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिक्शनरीज आपको दी थी, उन डिक्शनरीज में दुबई के जो तमाम होलसेलर्स हैं ऑल कैटेगरीज के उनके फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं. अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें तो आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाएंगे. यू सिंपली कॉल देम, उनका व्हाट्सएप है व्हाट्सएप करें, उनका बिजनेस ईमेल है उनको ईमेल करें. आप उनसे उनके प्रोडक्ट्स की कैटलॉग मांगे, आप उनसे उनके प्रोडक्ट्स के लिए कोई वेबसाइट है ऑफिशियली तो आप उनसे वो मांगे. मोस्टली यही है कि उनकी नहीं भी होती कैटलॉग्स होती हैं लेकिन वेबसाइट्स नहीं होती. तो अब ये आप रिसर्च आउट करना है कि किन होलसेलर्स की वेबसाइट्स भी हैं और वहाँ से आप छान सकें. लेकिन एक ये भी है कि कुछ होलसेलर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके ना कैटलॉग मौजूद है ना उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन ये है कि वो लोकली मार्केट में काम कर रहे हैं. अब उनको कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, ये फिर उन्हीं पर्सन्स के लिए हो सकता है जिनका कोई एजेंट, कोई फ्रेंड या कोई वीए दुबई में मौजूद हो और वो लोकली उन मार्केट में जाके उन होलसेलर्स की शॉप पे जाके उनसे बात करें और वहाँ पे स्टॉक को देखें और उसके बाद आपकी अमेज़ॉन सेलर ऐप है वहाँ से स्कैन करें और वो देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें चाहिए और कौन से नहीं चाहिए. वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट भी मिलेगा, वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट के 3 पीस भी मिलेंगे और एक के आपको डजन्स में भी मिलेगा. तो ये इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम देते हो, कितना अच्छा आप सर्च करते हो. आई विल नॉट से इट्स इजी जॉब. मैं समझती हूँ कि डीएस एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज, रिटेल आर्बिट्रेज एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. इसमें आपको फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आप लिमिटेड लिस्टिंग्स के साथ नहीं जाते, आप एनी कैटेगरी और एनी कैटेगरी हो जाते हैं. आपको कोई भी लिस्टिंग है जिसमें आपका सॉफ्ट अप्रूवल मौजूद है आप उसको लिस्ट कर सकते हो. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स करने चाहो कर सकते हो. उसमें आपके कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे तो आपको ऑर्डर आने पे लगेंगे. ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए थोड़ा सा सिस्टम आपका डिफरेंट होता है या रिटेल आर्बिट्राज में, कि आपको पता हो कि हाँ यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स आने ही आने हैं और ये बिक रहा है. एनालिसिस और क्राइटेरिया और बीएसआर, ये सारी चीज़ें आपने की हुई हो
क्योंकि आपने उसमें इन्वेंट्री पहले से खरीदनी है, जिस तरीके से आप लोग होलसेल के लिए खरीदते हैं पीएल के लिए, तो आरए एंड ओए के लिए भी आपको यही सब कुछ करना होता है। फिर जब आप लोकली काम कर रहे हो उसके थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसमें आप अपनी लेबलिंग पैकेजिंग और डिस्पैच आप खुद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं दुबई में काम कर रही हूँ और मुझे ओए या डीएस या फिर मुझे और कोई भी आरए करना है, तो मुझे या तो कोई घर हो मेरे किसी क्लाइंट का कोई, या वेयर हाउस हो, टेस्ट सर्विसेज हो, मुझे ये हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस सर्विस को लेने के लिए। अगर क्लाइंट आपका है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं और वही क्लाइंट है, उसका घर भी दुबई में मौजूद है, फिर आपको ये है कि फिर आपके क्लाइंट्स जो हैं आपकी लेबलिंग और डिस्पैच वगैरह इजी शिप से वो खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं मौजूद, जिस तरीके से पाकिस्तान अप्रूव हो चुका है और ये पाकिस्तान से अकाउंट्स बन रहे हैं अब गल्फ कंट्रीज में काफी, और ओए और डीएस का बहुत ज्यादा रुझान है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, एफबीए पीएम के लिए चीजें आपकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अच्छा, डीएस के बारे में जो मैं यूनाइटेड अरब में डीएस कहूंगी, आई विल से इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डीएस की अगर बात करूँ। ठीक है, डीएस में आपको, क्योंकि ऑनलाइन आपको सारा काम करना है एंड आप हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, नीश है, एक और प्रोडक्ट है और उस कैटेगरीज हैं, आप उसको सर्च कर रहे हो और फिर गूगल कर रहे हो, फिर डिफरेंट होलसेलर से चेक कर रहे हो, कोई आपको एमओक्यू जो है होलसेलर वो 1 देता है, कोई आपको 5 देता है, कोई आपको 10 देता है। समटाइम्स प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत अच्छी मिल रही होती है और आपकी जो उसका बीएसआई उसकी सेल होती है, या आपके कंपटीटर्स जो होते हैं वो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रह जाता है, प्रोडक्ट सेल आपकी या तो कम है, बीएसआई बहुत हाई है, या प्रोडक्ट्स कंपटीटर्स का इस तरीके से है कि आपके कंपटीटर ने आपसे प्राइस काफी कम रखी है, अगर आप उस प्राइस पे रखें तो आपका मार्जिन नहीं बचता, तो ये चीज, ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, और लेकिन ये ओए जो है, ओए इज बेटर अगर मतलब कि आपको प्रेप सर्विसेज ना लेनी पड़े और आपके क्लाइंट दुबई में ही मौजूद हो, तब मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ओए करें, ताकि आपका प्रेप सर्विसेज वाला खर्चा दरमियान में ना आए, डायरेक्ट शिपिंग फ्री में हो जाए आपके क्लाइंट के घर में, और मार्जिन आपने पहले से निकाले हुए हो अपने लिए भी, अमेजोन की फीस और इजी शिप की फीस के साथ पर प्रोडक्ट क्या होगा, और उसके बाद आप इस पे इसमें से आप ओए के जरिए आप काम करें। एंड सेकंड ये होता है इसमें कि जब आप प्रोडक्ट अपने हाथ में लेते हो, इजी शिप करते हो, पैकेजिंग भी अमेजोन की और ट्रैकिंग आईडी भी अमेजोन की, जिस वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, ट्रैकिंग जब अमेजोन ट्रैक करे चीज़ों को, ट्रैकिंग आईडीज को वो ट्रैक करता है, तो वो जब मैच ना हो या सही ना हो, वैलिड ना हो, तो आपका अकाउंट तब भी रिव्यू में चला जाता है और आपको फिर केस ओपन करके सारी अमेजोन को कहानी बतानी होती है और प्रूफ देने होते हैं और उसके बाद जाके ये चीज़ें हो रही होती है। सो इट्स नॉट ईजी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा खाएं, साफ सुथरा खाएं और लॉन्ग टर्म खाएं। डीएस पर्सनली मुझसे पूछते हैं आप डीएस करती हैं, मैंने कहा नहीं मैं डीएस नहीं करती, लेकिन मुझे आता सब है और मुझे, आई एम रिसर्चर और लर्नर, मैं एवरी डे आई एम डूइंग समथिंग न्यू और मुझे न्यू पॉइंट्स, और ये सब क्या है, कैसे होता है, कैसे, सो इस चीज में, सो और मुझे सब आता हो, मुझे ग्रिप हो, हर चीज़ की अच्छी नॉलेज हो, मुझे उस शौक में, उस नॉलेज के शौक में मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ, चीज़ों को सीखती हूँ, हाउ इट वर्क्स, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म और ये वो चीज़ें। पर आप कहें कि मैं खुद बैठ के डीएस कर रही हूँ, तो ना, ऐसा नहीं है, मैं पीएल एक्सपर्ट ही हूँ, लेकिन मैं हर मॉडल और हर मार्केट प्लेस को टच करती हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रिप भी है और मैं हर दिन आगे बढ़ती हूँ। तो आपने एक चीज ये है कि आपने भी अपने आप को बाउंड नहीं करना कोई एक स्किल, कोई एक मार्केट प्लेस। ठीक है, ये नहीं कि दुबई है तो दुबई में रह जाए और सऊदीया भूल जाए, तो गल्फ में है तो आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भूल जाए, नहीं, आपने हर दिन आगे बढ़ना है। अमेजोन है ना, अमेजोन है,
अमेजोन तो हर जगह है, जितनी मार्केट प्लेसेस हैं। एक दफा बेस बन जाए, एक दफा ग्रिप आ जाए एक चीज में, फिर उसके बाद माइनर माइनर चेंजेस आप इसीलिए कर लोगे। किसी भी चीज की बेस स्ट्रांग हो आप एग्जिस्ट कर लेते हो कहीं पे भी कैसे भी। चलिए बैक टू टॉपिक, दैट इज के कोई भी होलसेलर्स हैं तो मैंने पहले काम किया है आपके लिए ताकि मैं लाइव प्रूफ और लाइव लिस्टिंग और हंट और ये चीजें कर सकूँ, लेकिन आपके सामने मैं दोबारा कर देती हूँ कि यू ई होलसेल इसमें फरुद्दीन सॉफ होलसेल है, इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी ये तो बैक हो गया। चले इसको ओपन कर लिया। और इसी तरह डिफरेंट और हैं, दुबई होलसेल प्लाजा और सलाम दुकान होलसेल, यूवी मार्केट, दुबई ट्रेडमार्क, इसमें से आप डिफरेंट चीजें करें। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, जिस तरह ये कंपनी और ही डिफरेंट प्रिल और पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, आपने हमेशा अनब्रांडेड की तरफ जाना है। ठीक है, जिस तरीके से आपको कहा जाता है ना कि आपने रेटिंग जो हो आपकी कम से कम हो, रिव्यूज आपके अंदर 150, 60 या 100, 200 हो, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि आपने 2000, 3000 रिव्यूज वाले ब्रांड्स के पास जब जाना है तो ना उन्होंने एलएलसी बिना आपको पूछना है, ना रिव्यू से नहीं है तो ना ही आपको DSOA के लिए अप्रूवल देना है, तो टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट में ही ऐसा करें कि आपको टाइम सेव और बकायदा पूरी स्ट्रेटजीज के साथ जाएं। इजी दुकान यूई, ठीक है, डिफरेंट आपके पास देखें, यहाँ पे आपने लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, एक को खोलने, वन बाय वन सारों को करें, इट्स वेरी टाइम टेकिंग और ये चीजें वगैरह। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और उसके बाद रिवर्स सोर्सिंग करें। रिवर्स सोर्सिंग में क्या होगा, आपकी फ्री डिलीवरी भी हो जाती है यहाँ पर, स्केड्यूल भी कर लें, लोएस्ट प्राइस गारंटी जो है वो। इसमें ये है कि आपको जो होलसेलर्स होते हैं इनकी MOQ होती है, जिस तरह आप यूरोप में करते हैं और MOQ होती है ना, इसी तरीके से आपकी ये भी होती है। अच्छा, अब आप मेरे से पूछें कि आप DS नहीं करती तो फिर आप कैसे ये कर रही है। मैं OA करती हूँ, DS और OA बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट सर्विसेज और यूरोप में मैं करती हूँ OA। अच्छा ये देखें, आप हिमालया प्रोडक्ट है अगर पहले, अब ये ब्रांड्स में आ गए हैं। ठीक है, जब आपकी कोई भी चीज ब्रांड में आएगी सबसे पहले आपने उसको चेक कर लेना है। चले इसी को हम लोग अगर चेक कर लें फर्स्ट प्रोडक्ट, वैसे तो ये ब्रांडेड है लेकिन कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सॉफ्ट अप्रूवल दिया हुआ होता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे मेहनत करनी, इसके कार्टन्स पढ़ने और 22 को 24 को 252 पे मल्टीप्लाई करने, उसको सारी मेहनत करने से पहले ना हम जाते हैं इसको चेक करने कि ये कुछ बिक भी रहा है या नहीं, या मेहनत आया होगी, पहले चेक कर लेते हैं ये चीज प्रोडक्ट मौजूद है। बस ये दिस इज स्टेप नंबर 1। 200 ml, हाँ जी प्रोडक्ट मौजूद है 15 का है। एक आपने ये कर लिया कि प्रोडक्ट मौजूद है कि नहीं, सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड उसका आपने सॉफ्ट अप्रूवल चेक करना है, सॉफ्ट अप्रूवल आपके पास हो या नहीं। ये जब मैं आप लोगों के लिए सर्च कर रही थी उस वक्त मैंने इसका एग्जांपल के लिए किया था, लेकिन अब लाइव ही आप लोगों के सामने है, हो गया, दैट्स ग्रेट। अब आप लोगों के सामने इत्तफाक से एक और प्रोडक्ट है, मैंने किया हुआ दूसरा था वीडियो के लिए। चलिए दैट्स गुड कि आपने फरुद्दीन साहब की आपने वेबसाइट खोली और आपने एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो बिक रहा है और बिकता है और इसका एक नाम है, और हिमालया ऑलिव ऑयल। ठीक है, हिमालया का ऑलिव ऑयल है, आपको ये 24 पीस एक कार्टन में मिलेंगे 200 ml के लिए, सही हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा जो कार्टन आप कर सकते हैं ऑनलाइन, फरुखदीन साहब की वेबसाइट वैलिड है, आप लोग ऑथेंटिक है, मैं आपको ऑथेंटिक चीज से बताती हूँ, कर लीजिएगा 250। जो इसके कैलकुलेटर में इसको खोलती हूँ, ठीक है, ये एक जो है 24 है, तो 252 डिवाइडेड बाय 24, 10.5, यहाँ पे ये दे रहा है 15। ठीक है, तो
तो ये मेरे पास अमेजोन की फीस भी होगी इसमें 2-3 दिरहम, 15 तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, और फिर मुझे इजी शिप भी करना होगा, उसके भी पैसे मुझे 2-3 दिरहम रखना है, तो ये मेरे लिए नहीं है अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि ऐसे मैंने रिवर्स सोर्सिंग करनी है, कोई भी मैंने होलसेलर की वेबसाइट आपने खोल लेनी है और उसके बाद रिवर्स सोर्सिंग करनी है, कैटेगरीज वाइज भी आपकी हो जाएगी और दो स्पोर्ट्स में ये वो वगैरह, साथ ब्रांड वाइज भी। अब आप चाहे ना कि टाइम्स आए ना, वो कैटेगरीज वाइज हो जाए, जॉनसन्स जॉनसन्स ये एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है बच्चों के लिए वगैरह, आपका ये बाहर का है ये तो मुश्किल है यहाँ पे हो, लेकिन एसटीआईज वो भी, ये क्या है, ये सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब एक चीज है यहाँ पे, अब आप कहें ब्रांडेड प्रोडक्ट है लिस्ट हो गया है, जैसे हिमालय का हुआ है, लेकिन ये लिस्ट हो गया है कल आपके पास स्ट्राइक आ जाए ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए, तो ये क्या हो गया, ये रिस्की हो गया, सही है। तो यहाँ पे मेरा आपको सिखाने का मतलब ये था कि रिवर्स सोर्सिंग कैसी करनी है, और उसके बाद रिवर्स सोर्सिंग के बाद उसका टाइटल जो है amazon.ae पे आपने लिस्ट करना है, देखना है सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या अवेलेबल है, उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आपने सेलर सेंट्रल पे जाके उसका अप्रूवल देखना है, क्योंकि जब तक आपके पास सेलर सेंट्रल ना हुआ, अप्रूवल आपके पास ना हुआ, उस वक्त तक वो बेकार है प्रोडक्ट। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी हंटिंग हम करते हैं, हमने प्रोडक्ट्स हंट करके दिए हुए हैं, किए हुए हैं, ये वो, मैं पूछती हूँ सेलर सेंट्रल है नहीं, तो वो हंट हुए भी पड़े रहे ना, किस काम के आपके, जब आपके अमेजोन के ऊपर लग रहे ही नहीं है, डिफरेंट अकाउंट्स पे, आई नो डिफरेंट अकाउंट्स के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, अकाउंट एज से, हिस्ट्री से, अमेजोन कैटलॉग और इन प्रोडक्ट्स को अनलॉक करता जाता है विद टाइम, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है, और विद टाइम वो कुछ क्राइटेरिया है और कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, आपका बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा है उसके एक डिफरेंट है, अब आपका रुक रुक के सस्ता सस्ता हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चल रहा है वहाँ पे, अमेजोन ने क्या आपसे इम्प्रेस होने और आपके लिए करने है? और फिर उसके लिए आपको ये है कि फिर जिस तरह यूरोप के लिए प्राइस मास्टर, फनल गुरु, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो $400, $300, $200 लेके कैटेगरी अप्रूव आपको करके दे रही है, अनगेट करके दे रही है चीजें, तो और यूरोप में तो ये चलो एक चीज कॉमन है, तो गल्फ में अभी ये चीज इतनी कॉमन नहीं हुई, गल्फ इज अ ग्रोइंग मार्केट, ठीक है, इसमें भी यूरोप को टक्कर लेने या यूरोप जैसे इसको ट्रीट किया जाए और इसके साथ चला जाए, अभी इसको बहुत टाइम है, कुछ साल आराम से हैं इसको, तो अभी स्टार्ट में यही मैं कर आपको रिकमेंड करूंगी दैट डू नॉट गो विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जस्ट आप यहाँ पे होलसेल FBM करें, OA करें या DS करें, ओनली विद द अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अब आप अगर आपके पास अप्रूवल्स हैं या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के अप्रूवल ले सकते हैं और जिसकी बहुत अच्छी सेल है, फिर उसके साथ आप भी कर लें, अदरवाइज फिलहाल मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी कि इन ब्रांडेड के साथ जाएं आप जाएं कैटेगरीज वाइज और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ कैटेगरीज वाइज जाएं, आप इसको सर्च आउट करें, ये भी कोई भी प्रोडक्ट है आप इसको देखें रिवर्स सोर्सिंग क्या इसकी मौजूद है या नहीं, जो तरीका मैंने पहले रिपीट किया है 2 बार आप उसी को लेके चलें, कॉपी पेस्ट सेलर सेंटर वो चीजें, सही हो गया। इसी तरह और भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप लोग ये देख लीजिएगा, मेरा काम है एक दफा आपको डायरेक्शन दिखाना, फिर आ गया काम आपका काम है करना, मुझे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये होता कैसे है, कैसे लिस्ट करें प्रोडक्ट्स को, कैसे सोर्स करें, कैसे एनालिसिस करें, कौन सी वेबसाइट्स ठीक हैं, कैसे ढूंढें, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो इस पे मैं कर देती हूँ, जिनकी जो क्वेरीज हैं मैं उनकी सेट हो जाएं। अच्छा ये फरुद्दीन साहब की एक है, दूसरी मैंने जब गूगल पे ही लिखा तो वो सबसे पहले ये वेमिना एक और सेलर वेबसाइट है वो मेरे पास ओपन हुई, ठीक है, उसमें से ये आपको डबल है, ये वाले शीर्ष जो है ये तो आप सबको पता होगा, आप इसको चेक करते हैं पेस्ट, हमें प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, मैंने आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बता दी, प्रोडक्ट्स भी निकल आएंगे, सॉफ्ट अप्रूवल्स भी मिल जाएंगे आखिर में, अगर आपका मार्जिन ना निकला, क्योंकि प्रोडक्ट आपका किसी एक ना एक पैरामीटर की वजह से फेल हो जाता है, या तो उसका सॉफ्टवेयर अप्रूवल नहीं होता,
ठीक है, या वो अवेलेबल नहीं होता या उसमें मार्जिन नहीं बन रहे होते हैं। ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसकी वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी हो तो वो कम समटाइम्स रह जाता है। अभी ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी सेल भी अच्छी होगी, ठीक है, तो अगर ये कंप्यूटर के लिए यूज हो रहे होते हैं, हम और भी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात करती जाऊँ BSR की। आपके यहाँ पे हजारों में BSR है तो इसका क्या है? हम तो हजार के अंदर कर रहे होते हैं ये वो। देखिए, डिफरेंट बिजनेस मॉडल जो है ना, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। अब ये है आपके पास 86, वो मैं आपको कहूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन DS और OA के लिए मैं आपको कहूंगी 2000 के अंदर अंडर प्रोडक्ट्स को उठा लें। रैंडम सेल आती है लेकिन आ जाती है, लेकिन जब ये 3000, 5000, 6000 पे जाते हैं उस वक्त अभी बिल्कुल सेल नहीं आती। दुबई की मार्केट्स के BSR हमने पकाए हुए हैं अच्छे, तो 2000 के अंदर अंदर है, आप उठा लें। DS है आपका या OA है आपका, बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन होलसेल के लिए और PL के लिए मैं ये BSR बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। अच्छा, आप ये वेबसाइट्स में बंद कर देती हूँ, मैंने वीडियो छोटी बनानी थी, ये फिर बड़ी हो गई। मैंने आसान किया हुआ था काम, ठीक है। इस प्रोडक्ट को भी हमने देखा, इसी को देख लेते हैं ताकि ना टाइम थोड़ा सेव हो जाए। इसको करती हूँ मैं सर्च आप लोगों के सामने, क्या ये अवेलेबल है या नहीं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने सर्च हुए हैं या नजर आ रहे हैं आपको, अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ देखें, पर्पल में मौजूद है, ग्रीन में मौजूद है, ठीक है, और ये निकला है ब्लू में। अब नीचे आ जाए, एक तो ये है साहब, ये बेच रहे हैं ग्रीन में, शेप सेम है नहीं, क्योंकि अंदर मुझे लग रहा है इनकी स्टील की है और ब्लैकिश है, और इनकी अंदर से जो जाली है लाइन लाइंस, ये इसका ग्रीन पार्ट चाहिए अगर ये वेरिएशन में है तो। पर इसका BSR बहुत ज्यादा है, मैं नहीं देख रही, मुख्तलिफ पेजेस में आ जाएगा। ग्रीन है इसकी भी 53 BSR या 9000। चलिए, मैं एग्जांपल के लिए तो आपको करूँ ना, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ये सेम प्रोडक्ट मिल गया है, लेकिन ये आपने सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि इनके BSR बहुत ज्यादा है, 16000। मेरा यहाँ पे काम आपको तरीका बताना है। ये लिस्ट हुए हुए हैं पर्पल एंड ग्रीन जो हमें होलसेलर की वेबसाइट से मिले हैं, लेकिन इस जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दूंगी। सब प्राइवेट लेवल लिस्टिंग एंड 149 आई ना, जैसे बन। चले, इनकी खुद फिर 149 से इनकी मुनासिब है, ठीक है। तो पर्पल ये रहा, पर्पल 31 ये दे रहा है, 51.8। इसी को हम अपना कंपटीटर दे लेंगे, एमओ शॉप को जो अभी बेच रहा है। ये FBA है, फॉर FBM के तौर पे भी आप जा सकते हैं, चार हैं इसके ऊपर निशानी मौजूद है, मींस ठीक है ये काम। इसको देखते हैं हमें भी कोई जगह मिल सकती है या नहीं, पेस्ट मिल जाएगी, ठीक है, हमें भी जगह मिल जाएगी। आई एम नॉट गोना लिस्ट, आई डोंट नीड दिस प्रोडक्ट, मैं DS नहीं करती है दुबई में, लेकिन आपको मैंने एक प्रॉपर वे सिखा दिया कि ऐसे होलसेलर्स को निकालें वहां से, हाँ, गूगल से, ठीक है, और अच्छी वेबसाइट्स है, उनको चैट करें, उनको ईमेल करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पहले बात करें, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कैटलॉग मंगवाएं। इट्स नॉट लाइक जस्ट डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट पे ही रहें, फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप भी दिए हुए हैं, तो एक दफा बात करें और उनसे, अगर होलसेलर्स हैं, अगर उनसे बात करें कि अगर हम आपसे रेगुलर काम करें और ज्यादा प्रोडक्ट्स का करें, आप हमें कैटालॉग दें, ये वो चीजें, तो जो आपने मार्केट पे और वेबसाइट पे पर आपने प्राइस लिखी हुई है, इससे हमें कम कर दें, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग बार्गेनिंग करते हैं ना लोकल होलसेलर्स के साथ, इस तरीके से आप लोग इनसे जब रिलेशन बना लेंगे ऑनलाइन भी, फोन पर भी, और इनसे एक दो बार आप ट्रांजेक्शंस करेंगे, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और आपको लॉन्ग टर्म और ज्यादा बल्क पे अगर आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, तो आपको फिर आपको अच्छा एंटरटेन करेंगे।
तो किसी भी चीज का जो स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, या आपको मार्जिन्स लिमिटेड ही होते हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे अमेजोन की सेल हो। हर चीज का एक नेचुरल रूल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है और ग्रो करती है। तो ये सब स्टोरी थी ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी, डीएस के लिए भी, और आपकी होलसेल एफपीएम के लिए भी। मेरा चैनल का एक अंदाज ये है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को जब हंट करना सिखाऊं या उसको लिस्ट करना सिखाऊं या किसी भी चीज़ पे, तो मैं तीनों मॉडल्स का एक कंपैरिजन लेके चल रही होती हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसी एक चीज को डिफरेंट मॉडल में हम कैसे देखेंगे और कैसे लेके जा सकते हैं। तो हर चीज को मैं वीएस कर करके चल रही होती हूँ। एक्चुअली ये तरीका मैंने इसलिए रखा था ताकि आप लोगों की एनालिसिस जो पावर है वो भी अच्छी हो जाए, एंड सेकंड आपको पता हो कि हर मॉडल में ये चीज कैसे वर्क करेगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा है कि आप लोग मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप विदाउट एनी मेंटर एंड ट्रेनर एंड सीनियर हेल्प आप तो वीडियोस को देख के खुद से काम करने के काबिल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह दैट विल बी माय अचीवमेंट कि अगर मेरी वजह से कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाए, किसी का काम सेट हो जाए। थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना हुआ तो मजीद आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चैनल के इनबॉक्स प्लीज मत कीजिएगा। अगर मैं ग्रुप्स में करती हूँ शेयर वीडियोज के लिंक्स को, तो प्लीज इनबॉक्स ना कीजिएगा, मैं इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।